अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्त, मैं हूं आपका भाई अदील फैयाजी। अभी मेरे सामने हिंदुस्तान की अज़ीमुश्शान दरसगाह अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ से एक बड़ी अफसोसनाक खबर निकल कर आई। यकीनन उस खबर ने बड़ा सदमा दिया, बड़ा दुख दिया और बड़ा रंज दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे बीच से एक बहुत बड़े आलिम दीन रुख्सत हो चुके हैं। आज अहले सुन्नत व जमात के दरमियान एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है और बहुत बड़ी शख्सियत का आज हमारे दरमियान से इंतकाल हो चुका है। कौन है वो शख्सियत, मैं आपको बता दूं कि हज़रत अल्लामा मौलाना तहसीन रज़ा नक्शबंदी मुबारकपुरी के वालिद माजिद शागिर्द हुजूर हाफिज़ मिल्लत मुबल्लिग़ इस्लाम मुनाज़िर अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहिब क़िबला मिसबाही मुबारकपुरी, उनका इंतकाल पुरमलाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हज़रात से भी गुजारिश है कि आप हज़रात उनके रफ़े दराजात के लिए आप दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके दराजात को बुलंदोबाला फरमाए और उनके जो पसमानदगान हैं उन सबको अल्लाह पाक सब्र जमील और उस सब्र पर अजर जजील अता फरमाए। और जो अबनाए अशरफिया हैं, जो अलजामतुल अशरफिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अल्लाह पाक उन सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए और उस सब्र पर अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह पाक कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा एक दिन ज़रूर चखना है। तो हज़रात, जब मौत आनी है तो हमें चाहिए कि हम मौत का इंतज़ाम करें, उसकी तैयारियां करें और कब्र हश्र की तमाम तर सऊबतों से बचने के लिए जो है हम हर वक्त अपनी ज़बानों पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र जारी रखें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौलाए करीम हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक मिसबाही साहिब क़िबला की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा कर उन्हें जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए और उनके सदक़े अल्लाह पाक हम सब की भी मग़फ़िरत फरमाए। फ़िलहाल इस वीडियो को आप हज़रात अपने भाइयों में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हज़रत अल्लामा फ़ारूक मिसबाही साहिब क़िबला के लिए दुआ कर सकें। मिलता हूँ किसी नई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।